अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है भुना हुआ क़ीमा, सिंपल सादा भुना हुआ क़ीमा कि जो कि पहले हमारी अम्मियाँ वगैरह बनाती थी। ये है क़ीमे की बेस। अब आप इस तरह क़ीमा बनाइए, खाली भी दे सकते हैं, इसमें आलू डाल लीजिए, मटर डाल लीजिए, चने की दाल डाल लीजिए, लौकी डाल लीजिए, भिंडी डाल लीजिए, अब चॉइस आपकी, अरवी डाल लीजिए, पालक डाल लीजिए, यह आपकी चॉइस है कि आप क्या डालना चाहती हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रेसिपी है, मैंने आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए बनाया। मैं फिर कह रही हूँ, मैं बुजुर्गों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, अपने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए कुकिंग नहीं करती, मैं बिगनर्स के लिए करती हूँ, ख़ासतौर से अपने बच्चे, जो मेरे बच्चे बाहर हैं उनके लिए करती हूँ कि ताकि उनको जो सादी सादी चीज़ें हैं वो पकानी आ जाए। मैं भी तिफले मकतब हूँ, मुझे पता है मुझसे बहुत अच्छे पकाने वाले मौजूद हैं, लेकिन बस एक हल्की सी कोशिश और अपनी रेसिपीज को सेव करना। तो चले मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, आइए देखते हैं ये मसाले वाला क़ीमा, सादे मसाले वाला हम कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम बना रहे हैं सादा भुना हुआ क़ीमा। ये घर में आदमी बिल्कुल सादा, बगैर कुछ ऐसी चीज़ें डालो, ये नॉर्मल सादा भुना क़ीमा होता है। ये मैंने एक कप ऑयल लिया, एक कप ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट डाला मैंने क़ीमा, आधा किलो थोड़ा उसके ऊपर है, आधा कप के करीब तली प्याज डालूंगी, ये बड़ा इंस्टेंट बनने वाला। ये देखिए, इसमें आधा कप दही डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी एंड लौंग। ठीक है, ये सब डाला, ये बड़ा इंस्टेंट बनने वाला क़ीमा होता है, फटाफट बनाए। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल माई रेसिपीज आर फॉर द बिगिनर्स, मैं पुराने लोगों को कुछ नहीं सिखा रही हूँ, माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा सीखे सिखाएं। ये मैं ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं कुकिंग सीख रही हैं, तो इट इज़ फॉर देम। तो कोई बिगनर, वो पुराना आदमी ऑफेंस ना करे कि तो हमें बनाना आता था, इन्होंने काय को सिखाया, तो मैं उनको नहीं सिखा रही हूँ, मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया, बस ये सब कट्ठा डल के इसी तरह चढ़ जाता है। अब इसमें टमाटो प्योरे जो मैंने बना के रखी वो डालूंगी और इसको ढक्कन लगा देंगे और आखिर में इसको भून लेंगे, और हरा धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला छिड़क के दिस इज डन। मैंने टमाटो पेस्ट भी प्योरे भी डाल दिए, मैंने अपनी बनाई हुई है। ठीक है, सब चीज़ें इसमें चली गई, सारा मसाला, गर्म मसाला, नमक मिर्च, हल्दी, धनिया, ठीक है, सब कुछ चल गया। ये सादा भुना हुआ क़ीमा है कि जैसे पहले हमारे अम्मी वगैरह के ज़माने में भुना हुआ क़ीमा कहा जाता था कि भुना हुआ क़ीमा है। आप इसी क़ीमे में आप चाहें तो कोई सी भी सब्जी डाल दें, चने की दाल डाल दें, पालक डाल दें, आप आलू डाल दें, मटर डाल दें, लौकी डाल दें, भिंडी डाल दें, जो आपका दिल चाहे वो डालें। ठीक है ना, तो इसी में अरवी डाल दें, अरवी क़ीमा बन जाएगा। तो ये मेन है जो सादा भुना हुआ क़ीमा बनता है, इसका मैं ढक्कन लगा रही हूँ, आँच थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ और ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लग, ये उसका पानी खुश हो जाएगा, इसे थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला छिड़क देंगे, कीमा डन हो जाएगा। कीमा भून के तैयार है, अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और ये गर्म मसाला 1 टीस्पून और थोड़ी सी हरी मिर्च और चूल्हा बंद। ठीक है, लवन हो गया, उसको मिक्स करेंगे, उसमें हम डिश आउट कर लेते हैं।